हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम है मिराज ब्लॉग में। दोस्तों आज हम फॉर्च्यूनर गाड़ी ढूंढने आए वसंत कुंज में। ये देखिए कितना गंदा है गाड़ी, ऊपर से पूरी मैल जमा हुआ है, पूरा डस्ट है अंदर जमा हुआ है। ये भी फोर है, अभी हमने धोया नहीं। अभी आपको अब देखिए, ये वीडियो है आफ्टर वॉश। देखिए वॉश करने के बाद कैसे शाइन कर रही है, रबिंग करने पॉलिश के बाद। दोस्तों सबसे पहले गाड़ी के मैट निकाल लीजिए, जो आगे पीछे दोनों लगे हैं तो निकाल लीजिए। उसके बाद फिर हमने अपना खोला तिजोरी यानी बैग, तो हमने अपना बैग खोला, उसमें सारे सामान निकाले, प्रेशर वॉशर जितने भी थे। उसके बाद वैक्यूम क्लीनर खोला और वैक्यूम क्लीनर निकाल लिया। फर्स्ट नंबर आता है हमारे केमिकल का, ये है वैक्स, ये है ग्लास क्लीनर, ये है पॉलिश। दोस्तों ये देखिए रखता हूँ छोटा छोटा, ये पैक, ये शैम्पू, ये हो गया रबिंग का सामान, ये सामने चीज़ हो गया। अब मैं करता हूँ वो प्रेशर से अच्छी तरीके से जो भी डस्ट जमा है उसको निकालता हूँ। अब देखो इसलिए मैंने थोड़ा सा हैप्टिक डाला, सरफ डाला हुआ था, इससे पूरा डस्ट निकल जाता है, साफ हो जाता है क्लीन। उसके बाद हम इंटीरियर पार्ट्स करते हैं, जो बिल्कुल लाइट ब्रश होता है, जिस बिल्कुल सॉफ्ट से करना होता है ताकि स्क्रैच ना आए। उसके बाद ही ब्रश से हमने इसे रगड़ा, रगड़ने के बाद पानी मारा, प्रेशर से पानी मारने के बाद देखिए क्लीन हो गया। अंदर बहुत मैल जमा होता है सर कोने पे, तो उसको भी क्लीन करने के लिए हमने क्लीनर साइन के केमिकल का यूज़ किया है। उसके बाद हम अंदर जो पर मैल जमा होता है उसको बड़े ब्रश से निकालते हैं, वॉशिंग क्लीनर का यूज़ करते, कोने कोने से निकालते हैं। डस्ट देखिए कैसे है कोने कोने में, और वहाँ से सामने की तरफ, फिर उसके बाद आते हैं सामने जो कॉर्नर पे गंदा पड़ा हुआ था हमने साफ़ कर दिया इंस्टेंट क्लीनर केमिकल से, सारी साफ़ हो जाती है। हल्का सा आपको लाइट ब्रश मारना होता है, कितनी भी गंदगी हो एक नंबर हो जाता है, एकदम साफ हो जाता है। जैसे आप देखना यही गंदगी थी जो हमने साफ़ किया, बहुत बुरा लगता है। कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे सर जो भी ये एरिया छूट ज़्यादा, इधर लोग नहीं करते, इसलिए हमने ज़्यादा ही फोकस के साथ काम किया है और क्लीन कर दिया। अब ये हमने यहाँ पे पॉलिश मार दिया, पॉलिश मारने के बाद सॉफ्ट कपड़े से हम लोग हल्के हाथों से साफ कर रहे हैं। अंदर जितने भी हैं वैक्यूम क्लीनर से जो भी धूल और ये कंकड़ या फिर सब फेंकते थे, अंदर ही सब सामान पड़ा रहता, उस चीज़ को हम वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम क्लीन करने के बाद देखिए कितना साफ़ हो गया। तो साफ़ होने के बाद हम अंदर के साइड कोने में भी जो डस्ट जमा रहता है उसके लिए अलग कौन कौन से हम लोग साफ़ करते हैं, तो सारे कोने भी मल निकाल लेते हैं, सारी धूल जमी होती है साफ़ हो जाती है। फिर हम दोस्तों वॉश, शैम्पू वॉश करने से पहले हल्का सा पानी मारते हैं पूरी, क्योंकि कोने कोने में धूल जमा होता है, पत्तियाँ घुसी होती हैं, उसके कॉर्नर पर मारने से देखिए इधर धूल निकल रहा है, ये देखिए पत्तियाँ निकल रही हैं आपको छोटी छोटी, तो इसके अंदर जो भी यहाँ पे गैप होता है उसमें मारते हैं। फिर टायर को वॉश किया अच्छे से, शैम्पू लगा के टायर को वॉश करते हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी गाड़ी चमक जाएगी, ऐसा लगेगा सर्विस चाहिए। याद रखिए प्रेशर से हमने जो भी मैल जमा हुआ था बोनट के पीछे डिग्गी के ऊपर बंद करते हैं, तो वहाँ पर जितना लोग साफ़ नहीं करते उसको हमने हटा दिया। उसके मारते हैं पानी, आप देखिए हम शैम्पू करने वाले हैं, अब ये शैम्पू वॉश करेंगे थोड़ी देर में। तो एक बात बता दूं, अगर आपको ग्लास क्लीन करना है तो न्यूज़पेपर का ग्लास क्लीनर जब आप मार दो तो उसके तुरंत बाद हल्का सा टाइम लेके आप न्यूज़पेपर से इसको क्लीन करिए, इससे साफ़ क्लीन होता है न्यूज़पेपर से, कपड़े मारने से रेशे आ जाते हैं जो उस पर दिखता है। तो ग्लास क्लीनर न्यूज़पेपर हो सके या टिश्यू पेपर से यूज़ करें। अब दोस्तों शैम्पू मारने के बाद देखिए, शैम्पू मार रहे दोनों हाथ से रगड़े, ताकि अगर ये जूना नहीं होता, सॉफ्ट कपड़ा होता है जिसके गद्दा लगा होता है हल्का सा रेसा जैसा, उससे क्या होता है क्लीन हो जाता है, जो जमी होती है डस्ट जी भी डस्ट होती है जो नहीं हटती है, वो थोड़ा सा हल्का सा रफ करने से वो भी गायब हो जाता है। जिस तरीके से लड़का कर रहा है दोनों हाथ से, तो सामने ख़त्म हम करेंगे रबिंग। दोस्तों अभी कर रहे हैं रबिंग, रबिंग कर रहे हो तो शाइनिंग आ रही है आपको, देखिए उसको इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को हल्के हल्के पहले कनेक्ट कीजिएगा। रबिंग करने के बाद फिर आप अच्छे से रबिंग कर लें पूरे बॉनेट पूरी गाड़ी पे, तो उसके बाद आपको मतलब छोड़ देना है, हल्के देर के लिए छोड़ देना, हल्के देर छोड़ने के बाद पॉलिश मैं कर रहा हूँ पॉलिश। उसके बाद गाड़ी देखिए दोस्तों कैसे सामने की तरफ से बॉनेट से भी देखिए, ये देखिए शाइन कर रहा है, पर पेड़ भी दिख रहे हैं। देखिए टिक्की कैसी थी अब कैसी होगी, करवाना चाहते तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।